हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़मा। तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ वो चिकन बनाने जा रही हूँ, चिकन की रेसिपी। तो मैं एक यूनिक मेथड से ये बनाऊँगी, आइए आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा मेरीनेट करने के लिए रखा था। मेरीनेट करने के लिए मैंने इसमें दही, गरम मसाला, रेड मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और थोड़ा सा इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला था ताकि अच्छी तरह से मेरीनेट हो जाए। तो ये देखो मेरा मेरीनेट हो चुका है वो चिकन। इधर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ इसको, मैंने जो जो ली है, एक मैंने बड़ी प्याज ली है तो इस तरह से शेप में काटी थी, एक टमाटर, 4-5 हरी मिर्च, लहसुन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक बड़ी इलायची डालूंगी इसमें, दो लकड़ी दालचीनी, दो तीन लौंग, एक चम्मच ऑयल डालूंगी, और इसको तब तक बॉयल करूंगी जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। तो फ्रेंड्स ये मेरा गल चुका है, अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब इसको ठंडा होने तक वेट करूंगी और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। फ्रेंड्स मेरा हो चुका है ऑयल गरम, मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है देखिए इस तरह से, और इसको गरम कर लिया है। मैं इसमें जो मैंने एक बड़ी प्याज काटी है तो मैं इसमें फ्राई करूंगी पहले। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है प्याज का, ऐसा मैं ये चिकन इसमें ऐड करूंगी। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च और ऐड करूंगी मैं इसमें, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो लौंग ऐड करूंगी इसमें, एक बड़ा चम्मच मैंने दही जो मिक्सी में फेंट ली है वो भी इसमें ऐड कर लूंगी। एक चम्मच जीरा ऐड करूंगी इसमें, दो तीन पत्ते तेज पत्ता, फ्रेंड्स मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूंगी कम से कम 5 मिनट। तो फ्रेंड्स ये मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है मटेरियल, अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मटेरियल मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे एक अलग ही तरह का टेस्ट आएगा, जायकेदार बन जाएगा मेरा चिकन। फ्रेंड्स मेरा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से धुल चुका है। अब मैं इसमें ये मटेरियल ऐड करूंगी। तो पूरा पेस्ट जो था मेरे प्याज लहसुन अदरक लौंग इलायची दालचीनी नमक से जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया था और उसको बॉईल कर लिया था, इसी तरह से गला दिया था, टमाटर लिया था और फिर उसको देखिए मैंने गला कर इस तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसमें मिक्स कर दिया है चिकन में। तो फ्रेंड्स मसाला मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया है ये और कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो इसे मैं कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा चिकन रेडी है, मैं इसे डिश आउट करूंगी। फ्रेंड्स मेरा चिकन रेडी है, मसाला बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह, जायकेदार होगा। तो इस मेथड से आप बनाएं जिस तरह से मैंने बनाया है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और आप इस चिकन को खा सकते हैं नान से, रोटी से, पराठे से, पूरी से, एज यू विश। ये देखिए इस तरह से रुमाली रोटी से खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं कल फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।